Hello students, welcome to your NCERT online class. Student, today we are going to discuss about different short question answer. It is related to a house like this chapter. Today we are going to discuss mainly true false and important fill in the blanks question. So let's start today's class. Student, I write here already one question. Write true or false for the following questions. I write here some question. At first I will discuss in Hindi for your better understanding. Then we will write answer. Houses are of different types in same place. Student, एक जगह पे different types का house होता है. ये absolutely correct answer. तो we can write here this is true. Okay, people of different places lives in different types of houses. देखो, हर जगह पे imagine this is Calcutta, then Delhi, Mumbai. तुम लोग बाहर से different types से देखते हो. तो people of different places हर जगह पे different place में जो people रहते हैं वो different types of house में रहते हैं. ये भी सच बात है. तो this is also true. Note down this one properly because all of the question is very important from this chapter. ये हमेशा exam में आ जाता है. Igloo is a kind of house that can be fought on water. तुम्हें पता है igloo snow से बनता है, snow block से बनता है, लेकिन ये water में नहीं रह सकते floating करके, क्योंकि इस snow तो water में क्या हो जाता है, मिट जाता है. तो it is false. Okay, then different things are required to build a house. एक हाउस वो कच्चा भी हो सकते पक्का भी हो सकते. बनाने के लिए तुम्हें डिफरेंस मेटेरियल्स का जरूरत होता है, ये तुम्हें मालूम ही है. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कच्चा हाउस और पक्का हाउस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. तो सीमेंट, देन ब्रिक, डिफरेंस टाइप्स चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. देन देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है. शेल्टर. शेल्टर मीन्स रहने का जगह. शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज. जो बड़ा बड़ा शहर है वहां पर रहने का जगह का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा. क्योंकि मान लो तुम एक शहर से दूसरा शहर में गया, कहां पे रहोगे, घर कहां मिलेगा, एक मेजर प्रॉब्लम है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. इन क्वेश्चन नंबर टू वी नीड टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट फिल द ब्लैंक्स. सो वॉच द वीडियो अप टू लास्ट. आई विल रैप दिस ऑन आफ्टर 1 मिनट, देन वी विल राइट क्वेश्चन नंबर टू. नोट डाउन दिस ऑन प्रॉपरली. This is very important in our exam for your better study. Okay students, I again write question number 2 on the board. It is fill in the blanks with the correct words. I write some question. At first I will discuss with Hindi for your better understand. That's why you can write, you can understand very easily. Houses in hilly areas have dash roof. Hilly area means जो पहाड़ों का अंसर होता है वहां पे जो houses होता है उसका जो roof होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है. हम लोगों का इस तरह से flat नहीं होता है. वो क्या होता है, स्लोपिंग रूफ होता है. क्यों स्लोपिंग होता है, क्योंकि वहां पे जो स्नो होता है वो गिर जाता है स्लोपिंग होने से, इसलिए स्लोपिंग रूफ होता है. देखो ये डैश इज अ टेम्पोररी हाउस यूज्ड बाय ट्रैवलर्स.
कौन सा हाउस है जो ट्रैवलर्स हम लोग नहीं जो ट्रैवल करते हैं मेनली सोल्जर्स भी है वो टेम्पररी एक हाउस इस्तेमाल करते हैं बना लेते हैं वो क्या है नाम उसका नाम क्या है टेंट हाउस देन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मल्टी स्टोर्ड में जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं हमेशा सिटीज में इस्तेमाल होता है देखो बड़ा बड़ा फ्लैट है सब मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर मोस्टली सीन इन सिटीज क्योंकि ये गांव में नहीं दिखा जाता है तो ये सिटीज में हम लोग देखते हैं जैसे मुंबई दिल्ली कलकत्ता बड़ा बड़ा सिटी है उसमें हम लोग मल्टी स्टोर्ड मतलब फ्लैट देख सकते हैं वी फाइंड हाउस बोट इन डैश हाउस बोट पहला क्लास में मैंने बताया थे हाउस बोट कहां मिलता है हाउस बोट हम लोग कश्मीर में देख सकते हैं लेकिन कहां नदी में पॉन्ड में या लेक में हम लोग कहां देख सकते हैं लेक वो हम लोगों को लेक्स में नजर आता है वी फाइंड हाउस बोट इन लेक्स हाउस ऑफ कभी कभी एक क्वेश्चन अगर तुम्हें लेक्स याद नहीं रहेगा तो तुम कश्मीर में लिख सकते हो हाउस ऑफ स्नो इज कॉल्ड स्नो से बना हुआ हाउस तुम्हें पहले से मालूम है मैंने पहले क्लास में भी बताया थोड़ी देर पहले जो ट्रू फॉल्स उसमें भी बताया स्नो से जो बनता है उसमें उसको क्या कहते हैं इग्लू क्या कहते हैं इग्लू अरे जहां पे स्नो होता है वहां पे ज्यादा बनता है डैश पीपुल लिविंग इन नॉर्थ पोल मेड इग्लू इग्लू तो है लेकिन कौन सा जो पीपुल है जो इग्लू बनाते हैं उसका एक नाम है मालूम है क्या है चलो देख लो उसका नाम है एस्किमा एस्किमा एक प्रजाति है एक ह्यूमन कास्ट है जो लोग इग्लू बनाते हैं और वो कहां रहते हैं नॉर्थ पोल में रहते हैं नॉर्थ पोल में ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहते हैं एस्किमो ओके एस्किमा नहीं है वो एस्किमो है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हाउस डैश आस फ्रॉम द सनलाइट द रेन द कूल एंड द विंड हाउस पहला क्लास में मैंने बताया था व्हाई वी नीड हाउस तो उस क्लास में मैंने लिखाया था ये हाउस नीड टू लिव बट नॉट ओनली लिव ये हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट आस हम लोगों को बचाते हैं कहां से डायरेक्ट सनलाइट से रेन से कोल्ड से जो ठंडा हवा चलती है उससे हम लोगों को हाउस रक्षा करता है प्रोटेक्ट आस चलो और एक क्वेश्चन है जो मैं लिखाने वाला हूं थोड़ी देर बाद पहले इसको नोट डाउन करो वो क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं सुन लो जो लोग टेंट में रहते हैं टेम्पररी में रहते हैं वो ट्रैवलर एंड सोल्जर है लेकिन कुछ अलग भी लोग होता है जो टेंट में रहते हैं जिसका घर बड़ी नहीं है कोई घर स्थाई कोई घर नहीं है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं नोमाड्स जाजावर नोमाड्स ओके उस पोर्शन भी हम लोगों को लिखना है पहले इसको नोट डाउन करो आई होप यू नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन ओके नो प्रॉब्लम स्टूडेंट एंड डिस्कस इट सो नो नीड टू राइट एट फर्स्ट नोट डाउन दिस वन नोमाड्स लिव्स इन टेम्पररी हाउस कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ठीक है ओके स्टूडेंट्स आई होप यू नोट डाउन बोथ ऑफ टू क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली एंड केयरफुली एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर कमिंग एग्जाम बिकॉज फ्रॉम दिस चैप्टर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज कम सो फॉर दिस टू क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास वी विल मीट इन अनदर क्लास ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू